अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ASF और ASI 2021 के पास्ट पेपर MCQs शेयर करूंगी जो 2021 में टेस्ट हुआ था। ये MCQs उस टेस्ट से लिए गए हैं। अगर आप इन MCQs को याद करेंगे तो इन फ्यूचर आने वाले टेस्ट में आपको बहुत फ़ायदा देंगे। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ अब यहाँ पर शेयर कर रही हूँ और नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ ASF और ASI के 2022 पेपर पैटर्न शेयर करूँगी। तो आपका ये जो टेस्ट होगा ये 50 मार्क्स का होगा जो कि MCQs टाइप का होगा। इसमें जो सिलेबस एक्सपेक्टेड किया जाता है 2022 के लिए, इंग्लिश, पाक स्टडी, उर्दू और जनरल नॉलेज होगा, जिसमें इंग्लिश के 15 मार्क्स, पाक स्टडी के 5 मार्क्स, उर्दू के 10 मार्क्स और जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का पोर्शन होंगे। तो ये था इनका सिलेबस। चलें आप वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा बैतुल गज़ल। गज़ल के किस शेर को कहा जाता है? बैतुल गज़ल गज़ल के किस शेर को कहा जाता है? पहले, बेहतरीन, आखिरी, दरमियान वाले। इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, पहले। क्वेश्चन 2, मिर्ज़ा असदुल्ला खान का तखल्लुस क्या था? गाली, गालिब, प्रेमचंद, मिर्ज़ा। इसका राइट आंसर है हमारे पास बी, गालिब। क्वेश्चन 3, उर्दू शायरी में डैश से मुराद शेर के आखिर में आने वाले अहम अल्फाज हैं? काफिया, रदीफ, कत्ता, मतला। इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, काफिया। क्वेश्चन 4, इनमें से कौन सी ज़र्बुल मिसल ठीक है? चील के घोंसले में मांस कहाँ, चील के घर में मांस कहाँ, चील के घोंसले में बोटी कहाँ, चील के घोंसले में गोश्त कहाँ। इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए, चील के घोंसले में मांस कहाँ। क्वेश्चन 5, दो जुमले में रब्त के इस्तेमाल होने वाले हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ़ ज़रूरी, हरूफ रब्त, हरूफ बयाँ, हरूफ रवाबित। इसका राइट आंसर है हमारे पास बी, हरूफ रब्त। क्वेश्चन 6, अमीरी का मुतजाद क्या है? ऑप्शन ए, रबानी, रिहाई, कैद, जेल या तमाम दरुस्त हैं। इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, रिहाई। क्वेश्चन 7, बेहुदा की क्या मायनी है? घटिया, बदतमीज़, नाजेबा या तमाम दरुस्त हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी, तमाम दरुस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मुसद्दस डैश अशार के एक कत पर मुश्तमिल शायरी का नाम है? 8, 6, 4, 10। इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, 6। क्वेश्चन 9, नीदरलैंड लिटररी मीन्स, नीदरलैंड का लफ्जी मतलब क्या है? ए, लोअर कंट्रीज़, बी, माउथ ऑफ लैंड, सी, आइडियल लोकेशन, डी, लैंड ऑफ सनसेट। इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए, लोअर कंट्रीज़। क्वेश्चन 10, अर्थ लार्जेस्ट आइस वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन, ज़मीन का सबसे बड़ा बर्फ़ का हजम कहाँ मौजूद है? हिमालयाज, साउथ अमेरिका, पाकिस्तान या अंटार्कटिका। इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। क्वेश्चन 11, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? दुबई, USA, इंग्लैंड या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन है, दुबई। क्वेश्चन 12, द कंट्री वॉज नेशनल एंथम हैज़ ओनली म्यूजिक नो वर्ड, वो मुल्क कौन सा है जिसके नेशनल एंथम में सिर्फ म्यूजिक है, कोई लफ्ज़ नहीं है? ग्रेस, चिली, बहरीन, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी, बहरीन। क्वेश्चन 13, वो गोल ना कर सका, ही वॉज नॉट स्कोर द गोल, ही कुड नॉट स्कोर द गोल, ही कैन नॉट स्कोर द गोल, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी, ही कुड नॉट स्कोर द गोल। क्वेश्चन 14, ही सेड टू मी नॉट टू स्मोक, उसने मुझसे कहा तंबाकू नोशी नहीं। ही फॉरबिड मी टू स्मोक, ही टोल्ड मी नॉट टू स्मोक, ही आस्क मी नॉट टू स्मोक, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए, ही फॉरबिड मी टू स्मोक। क्वेश्चन 15, वी शुड नॉट लाफ डैश पुअर, हमें गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए। ऑप्शन ए, एट, ऑन, विद, ओवर। इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए, एट।